इस वक्त हम हाजीपुर में गंडक नदी में हैं और एसडीआरएफ की बोट पर हम सवार हैं। एसडीआरएफ की टीम हमारे साथ है। देखिए, नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, बिहार के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है, इसलिए हर छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आप देखिए गंडक नदी की तस्वीर जो है बोट पर से आपको कैमरा पर्सन विशाल राय दिखा रहे हैं। यहाँ पर गंडक नदी जो है वो उफान पर है, जलस्तर लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है। बिहार के कई जिलों में ऐसी स्थिति है, बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। हमारे साथ एसडीआरएफ के एसआई हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो लोग हर घंटे यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सब इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार सिंह। अभी क्या स्थिति है यहाँ पे हरेंद्र? अभी स्थिति तो नॉर्मल है, लेकिन पानी बढ़ रहा है। अभी खतरे के निशान से नीचे पानी है, लेकिन हम लोगों को प्रशासन के द्वारा से अलर्ट मूड में रहने का हुक्म मिला है और अभी हम लोग 24 घंटा अलर्ट है। यहाँ पर हमारी पूरी टीम मतलब अलर्ट है, यहाँ पर सब तैयारी हालत में है हम लोग। मतलब जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उधर देखा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से भी पानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कारण भी यहाँ पे जल स्तर में वृद्धि, उसी कारण से ना, जो वाल्मीकि नगर से जो पानी छोड़ा गया है उसी कारण से पानी यहाँ बढ़ा हुआ है। और बुधवार को जिसे पानी का स्तर थोड़ा ज्यादा बढ़ा, अभी नॉर्मल बढ़ रहा है, पूरा स्पीड में नहीं बढ़ रहा है अभी। तो खतरे, मान लीजिए अगर बारिश होती रही तो खतरे के निशान को तो पार कर जाएगा? हाँ, पार करेगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। तो आप लोग मतलब हर संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड में हैं? अलर्ट मोड में है हम लोग। और वहाँ हेडक्वार्टर से क्या क्या निर्देश है? हेडक्वार्टर से आदेश है, वहाँ से जो आपदा हमारा प्रबंधन विभाग से प्लस में हमारा बिहटा से भी की आदेश है कि बिल्कुल 24 घंटा तैनात रहना है, जैसे हुक्म मिलता है अपना अलग अलग डिप्लाई हो जाना है। देखिए, हम आपको विशाल से कहेंगे, कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाते रहे। देखिए यहाँ पे गंडक नदी जो है पूरे तरह से उफान पर है, कई नदियां बिहार में अपने रौद रूप में आ गई हैं, बाढ़ का खतरा जो है कई जिलों में जो है वो मंडरा रहा है। बिल्कुल नदी के बीचों बीच हम हैं ताकि आपको दिखा सकें कि किस तरह से जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जो मौसम विभाग है उसके अनुसार अभी आने वाले कुछ दिनों तक बारिश जो है कई जिलों में होती रहेगी, लेकिन गंडक बैराज जो है वाल्मीकि नगर का, वहां से जितना पानी डिस्चार्ज होगा उससे इधर जो है जलस्तर और जो है वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। जितने भी लोग हैं सबको सावधान किया गया है कि बीच नदी में कोई नहीं जाए, भारी संख्या में लोग नाव पर सवार न हो, लेकिन कई घाटों पर देखा गया है कि लोग भारी संख्या में नाव पर सवार हैं, जान जोखिम में डालकर, हमने पटना में भी देखा गंगा नदी में लोग स्नान कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पर फिलहाल जो है वो रोक लगाने की आवश्यकता है। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, गंडक नदी की जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, हाजीपुर।